नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए यूपी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण ये चौथा बजट पेश करने वाली हैं। ये बजट कोरोना महामारी की तीसरी लहर के प्रकोप के बीच आ रहा है, इस कारण बजट के खास होने की भी उम्मीद की जा रही है। स्थापित परंपराओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट में किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं देते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट से उनको मिलना है और कैबिनेट को बजट के बारे में जानकारी देनी होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैनपुरी इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। करहल विधानसभा सीट से जहां पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कुछ देर बाद ही मोदी सरकार के मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में सरप्राइज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृहमंत्री जी का, अपने मित्र प्रधान जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहां पर भेजा है। करहल की महान जनता के माध्यम से, अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, और प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है उससे यहाँ कमल खिलेगा, गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पर कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद हो गए, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद, चोरी जो हुआ। यूपी में इन दिनों चुनावी माहौल है, वहीं पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी चुनाव को देखते हुए थाना प्रभारी बीजपुर भैया एसपी सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक ब्रिजेश पांडे, कांस्टेबल विवेक राय ने अलग अलग सरकारी, देशी अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। नकली शराब के खिलाफ नकेल कसने के लिए यह अभियान चलाया गया था। खबर देवरिया से है, जहां रामपुर कारखाना से गिरिजेश उर्फ गुड्डू शाही की पत्नी पुष्पा देवी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वहीं इस दौरान भाजपा की टिकट नहीं मिलने से पुष्पा देवी फूट फूट कर रोईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं का निर्वहन करती हैं, जिसके बाद भाजपा ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। जनता के बीच में हम 15 साल तक गुजरे हैं और जनता के काम किए, तो भाजपा सर्वेक्षण करने के बाद भी हम पहला स्थान मेरा हर एथ में था, उसके बावजूद भी मेरा टिकट काट दी है। और बताया कि जो गरीब जनता की जो सेवा करता है उसको नहीं टिकट चाहिए, और जो 4 दिन के लिए 1100 रोड पर लेकर आया है उसको टिकट चाहिए। सूत्रों की माने कि आप भाजपा से आप दामन छोड़ रही हैं क्या? ये तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निडर लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? तैयारी है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर इस बार? बहुत अच्छा है, जनता हमारी सपोर्ट कर रही है और उन्हीं के सहयोग से हम उठ रहे हैं। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या सोची हैं? महिला के लिए जितना हम हमारे शरीर में जितने खून की बूंदे हैं हम सब उन लोगों के लिए, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम सब पूरी रामपुर का खाना की हम सेवा करेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में बहुत से कार्य अधूरे हैं जिसे आप आने के बाद पूरा करेंगी? हाँ जी हाँ, अगर हम जीत गए तो अधूरे काम की बात छोड़िए और उसके अधिक काम करके दिखलाते कि हाँ कोई भी। यूपी में इन दिनों सियासी हलचल तेज है, वहीं नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद से विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशियों की ओर से लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बता दें फिरोजाबाद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी शाजिया हसन ने बहुजन समाजी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित जिला कार्यालय पर नामांकन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का भी दावा किया है। लोगों में खुशी है, जोश है और मैं पीड़ित हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं पीड़ित हूँ। उन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफी की, मेरे साथ धोखा किया, तो जनता जानती है, जनता को मालूम है कि अजीम भाई पीड़ित हैं।
जब वो घर पर आए थे 28 अगस्त को अक्षय यादव जी, तो मुझसे वादा करके ले गए थे कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। जिस वक्त मुझे मेरी उस पार्टी ने, जिसको मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष दिए थे, उस पार्टी ने मुझे धोखा दिया, उस वक्त बसपा खड़ी हुई। बसपा के जितने सम्मानित नेतागण हैं, बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने पीड़ित व्यक्ति का साथ दिया है। मैं बसपा का और मुखिया अपनी बहन कुमारी मायावती जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सहारा दिया। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बांदा जिले से सामने आया, जहां कोतवाली क्षेत्र के सेडू तलैया में अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार पति पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रहा था। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। घूमने कहीं जा रहे थे, इन पे हमला करवाया गया। अच्छा, स्कूटी एक लड़की की है, वो शमीम परवीन जो है वो हमारे दुश्मन है। अच्छा, FIR भी हुई है उनके खिलाफ, तो ये सब पुलिस में भर्ती है, पुलिस में काम करती है। शमीम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पीएम नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर समेत 5 जिलों के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान करीब 100 जगहों पर LED वैन और स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने ऐसी ही करीब 100 से ज्यादा रैलियां करने की भी योजना बनाई है, जिसमें 3D स्टूडियो मैक्स का सहारा लिया जाएगा। यानी अलग अलग जगहों पर भी बैठे नेता रैली में एक ही वर्चुअल मंच पर अब बैठे नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल बैठक इसलिए रखी थी क्योंकि हमारा देश कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है। उसे संज्ञान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने वर्चुअल बैठक का निर्णय लिया और उसमें हमें किसान निधि, बिजली जैसे भयमुक्त शासन, उसमें मुख्यमंत्री जी का भी संबोधन हमें सुनने को मिला। बाकी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया। आप फॉलो करते हैं उनकी बातों को? बिल्कुल फॉलो करते हैं जी। और आगे अभी जो है आपके साथ युवा समाज भी है, आप युवा समाज से जी, तो और लोगों को आप इस बारे में बताते हैं कि आपकी बात होती है? पूरा युवा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं जगपाल सिंह जी, पूरा का पूरा युवा समाज जगपाल सिंह। खबर हाथरस से है, जहां अलीगढ़ रोड पर कंकाली मंदिर के पास प्राचीन कन्या गुरुकुल में 3 दिवसीय सामवेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं यह आयोजन बुलंदशहर के समाज सेवी ने करवाया। आयोजन बेटी के पैदा होने की खुशी में किया गया था। वहीं इस दौरान गुरुकुल के अलंकार डॉक्टर पवित्रा ने बताया कि इस परिवार के लोगों ने यह संदेश दिया है कि बेटी और बेटे दोनों के पैदा होने पर बराबरी की खुशी मनाई जानी चाहिए। कासगंज के तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जहां उनके साथ पूर्व सांसद व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। वहीं सदर विधानसभा से पूर्व मंत्री आमपुर से सत्यभान शाह के तथा पटियाला से नादिरा सुल्तान ने नामांकन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मानपाल सिंह ने बताया कि वो विकास, रोजगार तथा किसान के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने दावा किया कि वो पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि ही हैं, इसमें कोई अभी से कल्पना करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। सभी पार्टियां जीतने के लिए लड़ रही हैं। और कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? 100% बहुमत आएगा, गिन के तो हमने नहीं रख दी। सरकार बनेगी और मौजूदा सरकार बदली जाएगी। प्रत्याशी बनाया, विश्वास जताया, तो उनके विश्वास किस तरह से खरा उतरेंगे और जीत किस तरह से दर्ज कराएंगे? देखिए, 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें हमारी कौम ने, हमारे लोगों ने इस पूरे प्रदेश में 325 सीटों का परचम फहराया था। ये मेरी दम पर फैलाया था, अब इनको पता चलेगा। और इन्होंने उसी टाइम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसका हम जवाब देंगे। हम और हमारे मौर्या जी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर इसका जवाब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।